हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज अरिजीत सर का एक बहुत ही प्यारा सॉन्ग करेंगे। सॉन्ग का नाम है अनन्या फ्रॉम द मूवी तूफान। जिन लोगों ने नहीं सुना जाके सुन लो यार, बहुत ही प्यारा सॉन्ग है। तो आज जानेंगे इसको गिटार पे कैसे प्ले करना है, तो फटाफट शुरू करते हैं। मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अकुस्टिक पंडित। सो गाइस, सबसे पहले हम देखते हैं की ऑफ द सॉन्ग। सो की ऑफ द सॉन्ग इज ई मेजर। वैसे तो सॉन्ग में 6 कॉर्ड यूज हो रही हैं गाइज, लेकिन मेनली जो सॉन्ग है वो 3 ही कॉर्ड्स पे ज़्यादातर प्ले होता है। तो पहले जो हमारे 3 कॉर्ड्स हैं मेन कॉर्ड्स, उनको देखते हैं। पहली कॉर्ड हो जाएगी हमारी ई मेजर, सेकंड कॉर्ड है हमारी एफ शार्प माइनर, थर्ड कॉर्ड है हमारी ए मेजर। ये जो 3 कॉर्ड्स हैं यही लूप ई, एफ शार्प माइनर, ए मेजर, यही लूप मैक्सिमम सॉन्ग में चलता रहता है। अब देखते हैं हमारे जो नेक्स्ट 3 कॉर्ड हैं, वो उसमें से पहली कॉर्ड है हमारी ए माइनर, उसके साथ यूज हो रही है जी और उसके साथ यूज होगी डी। तो टोटल 6 कॉर्ड्स हो जाएंगे हमारी ई, एफ शार्प माइनर, ए मेजर, ए माइनर, जी मेजर एंड डी मेजर। ऑल राइट, तो जिनके लिए एफ शार्प माइनर थोड़ी सी डिफिकल्ट कॉर्ड पड़ रही है गाइस, वो क्या करेंगे, केपो लगा लेंगे। कहां पे? सेकंड फ्रेट पे। अब सेकंड फ्रेट पे केपो लगाने के बाद हमारी कॉर्ड्स हो जाएंगी ई का बनेगा डी, एफ शार्प माइनर का बनेगा E माइनर, A का बन जाएगा G, A माइनर का बनेगा G माइनर। यहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ये मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि A माइनर और केपो लगा के G माइनर जो है वो एक ही जगह पे यूज़ होगी। आप केपो कहीं पे भी लगा लो, आपको एक ना एक बार कॉर्ड मिलेगी मिलेगी। सो बेटर है जो कॉर्ड सबसे कम यूज़ हो रही है उसको हम बार कॉर्ड में रहने दें। सो A माइनर का बन गया हमारा G माइनर, उसके बाद नेक्स्ट कॉर्ड थी हमारी G, G का बन जाएगा हमारा F, ऐसे प्ले कर लो या ओपन में ऐसे प्ले कर लो। और जो लास्ट कॉर्ड थी हमारी डी, उसका हो जाएगा हमारा सी। सो टोटल 6 कॉर्ड कौन कौन सी हो जाएंगी, डी, ई माइनर, उसके साथ जी मेजर, उसके साथ जी माइनर, फिर हमारा एफ मेजर एंड लास्ट कॉर्ड सी मेजर। ऑल राइट, सो ये तो होगी कॉर्ड्स केपो के साथ और केपो के बिना भी। सो गाइज, अब देखते हैं इसका स्ट्रमिंग पैटर्न। तो सॉन्ग में ओरिजिनली यूज हुई है प्लकिंग, लेकिन मैं आपको प्लकिंग के साथ साथ एक स्ट्रमिंग पैटर्न भी बता दूंगा, ताकि जो लोग प्लकिंग में कंफर्टेबल नहीं है वो स्ट्रमिंग पैटर्न के साथ अपना सॉन्ग प्ले कर सके। तो सबसे पहले इसका प्लकिंग पैटर्न देखते हैं कैसे यूज हो रहा है। सो गाइज, जब भी सॉन्ग में प्लकिंग यूज होगी तो 3 ही कॉर्ड्स पे यूज होगी, ई मेजर, एफ शार्प माइनर और ए मेजर पे। तो प्लकिंग का पैटर्न देख लो, जब भी ई मेजर पकड़ोगे तो पैटर्न रहेगा हमारा 6 5 4 2 3, ठीक है, 6 5 4 2 3, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे एफ शार्प माइनर पे, सेम पैटर्न रहेगा 6 5 4 3 2 3। उसके बाद हम चले जाएंगे ए मेजर पे, यहां पे पैटर्न थोड़ा सा चेंज आएगा। यहां पे हम लोग स्टार्ट करेंगे 5 से 5 4 3 2 3, ठीक है। ऑल राइट, तो ई पे हो गया हमारा 6 5 4 2 3, सेम यहाँ पे भी एफ शार्प माइनर पे 6 5 4 2 3, उसके बाद ए पे 5 4 3 2 3। ऑल राइट, समझ आ गया। सो गाइस, जिनके लिए प्लकिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट पड़ रही है वो ये वाला स्ट्रमिंग पैटर्न यूज कर लेना थ्रू आउट द सॉन्ग। कैसे होगा, बहुत ही सिंपल है, ध्यान से देखना। डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन, बस सिंपल है। डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप। सो गाइस, अब देखते हैं इसकी कॉर्ड प्रोग्रेशन। तो इस सॉन्ग में 2 स्टैंजा है। पहले स्टैंजा में मैं प्लकिंग यूज करूंगा विद ओरिजिनल कॉर्ड्स, और जो सेकंड स्टैंजा है उसमें यूज करूंगा केपो वाले कॉर्ड्स और आसान वाले स्ट्रमिंग पैटर्न के साथ। तो आपको जो भी अच्छा लगे आप उसको यूज कर लेना। आप चाहो तो दोनों को मिक्स भी कर सकते हो, प्लकिंग और स्ट्रमिंग को साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं। Oh, Ananya.
आनंद।